हेलो दोस्तों, मैं हूँ यशवंत, एक पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंप हेड क्या होता है और टोटल स्टैटिक हेड क्या होता है, सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड क्या होता है। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि डिस्चार्ज को क्यू से डिनोट क्यों किया जाता है। तो इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पंप हेड क्या होता है। पंप हेड का मतलब होता है कि जहाँ तक कोई भी पंप किसी भी लिक्विड पदार्थ या पानी को पहुँचा सकता है, उसको ही जो है पंप का हेड बोला जाता है। इसको मीटर या फीट में मापा जाता है और ख़ासकर इसको मीटर में ही निकाला जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है एच से, उसको बोलते हैं पंप का हेड। तो अब बात कर लेते हैं पंप डिस्चार्ज की। पंप डिस्चार्ज वो होता है कि जो लिक्विड आपका पंप लिफ्ट कर रहा है वो कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है वो लिफ्ट कर सकता है। इसको जो है इसका जो यूनिट है मीटर पर आवर के हिसाब से और लीटर पर मिनट के हिसाब से इसको इसका जो यूनिट है इसको मापा जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है क्यू से, कि क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी। ये जो है पंप का डिस्चार्ज होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं, यदि आपको भी कोई पंप घर के यूज़ के लिए लेना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से ख़रीद सकते हैं, लिंक चेक कर सकते हैं। और यदि कोई सुझाव या क्वेरी हमारे चैनल के रिगार्डिंग है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अब बात करते हैं सक्शन हेड की। सक्शन हेड जो आपका पंप और मोटर के सेंटर लाइन से लेकर के सक्शन टैंक की तरल तक जो आपका स्पेस है उसको सक्शन हेड बोला जाता है। और उसके बाद डिलीवरी हेड की बात आती है। स्टैटिक डिस्चार्ज हेड जिसको हम बोलते हैं, वो पंप और मोटर की सेंटर लाइन से लेकर के जो आपका स्टोरेज टैंक है उसकी लेवल तक का जो एरिया होता है उसको जो है स्टैटिक डिस्चार्ज हेड बोलते हैं। और टोटल स्टैटिक हेड जो आपका बनता है वो सक्शन टैंक के तरल द्रव्य से लेकर के स्टोरेज टैंक के तरल द्रव्य के बीच का जो एरिया है उसको, इन दोनों को सक्शन और डिस्चार्ज हेड को मिला करके टोटल स्टैटिक हेड आपका बनता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमारा भी एक मैसेज कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि पंप से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।